नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स में अगली मॉडल्स का यूज, यूज ऑफ शुड। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि शुड का यूज क्या है। ठीक, तो मॉडल्स हमने विल, शैल, कैन, कुड, माइट ये सब बताए थे, तो उसमें से हमने विल और शैल का यूज भी बताया था। ठीक, अब पढ़ना है शुड का यूज, तो यूज ऑफ शुड। ठीक, तो पढ़ते आए होगे कि शैल का पास्ट किसका, शैल का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और शैल का पास्ट क्या होता है, शुड, है ना। तो शैल का पास्ट तो शुड होता है, लेकिन क्या सिर्फ पास्ट ही होता है कि सिर्फ पास्ट में यूज होता है, नहीं। तो शुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है। तो पास्ट में सिर्फ एक जगह होता है, कहां पर, कब होता है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताते हैं, यानी नरेशन में। तो शैल का क्या होता है, शुड। बाकी सब में शुड का यूज प्रेजेंट टेंस में ही, यानी प्रेजेंट सेंस में ही होता है। ठीक, तो लिखेंगे पहले रूल नंबर वन, यानी यूज नंबर वन। ठीक, शुड का क्या क्या यूज है। तो पहला यूज लिखेंगे कि शैल का शुड कब होता है, पास्ट टेंस में, ना, शुड का यूज पास्ट टेंस में कब होता है। ठीक, तो लिखिए शुड इज यूज्ड। देखिए बिल्कुल आसान इंग्लिश लिखवा रहे हैं, शुड इज यूज्ड, प्रयोग की जाती है ना, तो इंग्लिश इतनी आसान है। तो शुड इज यूज्ड इन पास्ट सेंस, शुड इज यूज्ड इन पास्ट सेंस, इन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो शुड इज यूज इन पास्ट सेंस कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट में। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताते हैं, तब शैल का क्या हो जाता है, शुड। कैसे हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल लिखें, पहला लिखा हमने सब, क्या लिखा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड उसने कहा, वी सेल गो टू टेम्पल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी सेल गो टू टेम्पल। तो इस केस में सिर्फ किस टेंस में शुड का यूज, पास्ट में होगा। ठीक, तो लिखेंगे सी सेड दैट। तभी नरेशन नहीं समझना है आपको, समझना क्या है कि शुड पास्ट में कैसे यूज हो रहा है। तो सी सेड दैट, तो जब कंजंक्शन जुड़ा हो, तो इससे पहले अगर पास्ट टेंस है तो बाद में भी पास्ट टेंस होगा, कंजंक्शन से पहले प्रेजेंट है तो कंजंक्शन के बाद में प्रेजेंट होगा। तो सेड वी टू है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट है, तो इसका मतलब पास्ट का ही यूज होगा वर्ब में। तो वी फर्स्ट पर्सन, तो इससे बनेगा क्या, सी। अब सेल का क्या हो जाता है यहां पर, शुड। तभी लोग कहा करते हैं कि सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। तो बस सेल का पास्ट इसी सेंस में शुड होता है। ठीक, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सी सेड दैट सी शुड गो टू टेम्पल, तो सी सेड दैट सी शुड गो टू टेम्पल। ठीक, अब अगला यूज पढ़ते हैं शुड का, कहां होता है लिखिए इसको। अब ये हुआ सिर्फ पास्ट में। ठीक, तो पास्ट में बस इसी में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल का शुड होता है, बाकी सब में प्रेजेंट में ही यूज होता है शुड का यूज। ठीक, तो कैसे होता है, तो शुड का यूज किया जाता है एडवाइस, यानी सलाह लेने में और सलाह देने में। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, है ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तो सलाह लेते हैं या सलाह देते हैं, तो वहां पर शुड का यूज करते हैं। ठीक, तो लिखिए रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है कि शुड इज यूज्ड, हिंदी में लिख लीजिए, शुड का प्रयोग, तो हम इसमें इंग्लिश में लिख देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है ना, टीचर वो होता है जो दूसरों को
समझा सके। अब हमको कितना आता है ये हम दिखा देंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, हम दूसरे को कितना समझा पाते हैं कितना बता पाते हैं उसको क्या बोलते हैं अच्छा टीचर, है ना। तो शुड हम इंग्लिश में लिखते जाए कि शुड इज यूज्ड तो ठीक, तो आपको समझ में कम आएगा, तो इसलिए हिंदी में लिखिए शुड का प्रयोग सलाह लेने में। अब जो इंग्लिश से है उनका भी लिख लेंगे, अभी इंग्लिश में लिख देंगे, सलाह लेने या देने में, शुड का प्रयोग सलाह लेने या सलाह देने में किया जाता है, किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए शुड इज यूज्ड, शुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टेकिंग और गिविंग, सलाह लेने या देने में, टेकिंग मतलब लेने में और गिविंग मतलब देने में, टेकिंग और गिविंग एडवाइस, एडवाइस ठीक। तो शुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टेकिंग और गिविंग एडवाइस, तो शुड का प्रयोग सलाह लेने या सलाह देने में किया जाता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कोई भी चीज होगी उसका स्ट्रक्चर तो जरूर होगा, है ना, कैसे भी क्या बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शुड क्या आएगा, शुड। अब हमने कहा था कि एक बात याद रखना, कोई भी मॉडल्स हो, विल, शैल, शुड, कैन, मे, माइट, सबके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इतना याद करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, चाहिए, हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल लिखें तो लिखा हमने ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, सलाह दे सकते हैं, है ना। दूसरा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड, यू शुड रीड, तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही शुड गो देयर, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, या उसे वहां जाना चाहिए, है ना, हमें खाना खाना चाहिए। अब लिख लिया इसको, अब अगला लिखते हैं, अगला क्या है, अब अगला लिखते हैं स्ट्रक्चर तीसरा, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि होना चाहिए किस सेंस में, किस सेंस में होना चाहिए। जैसे आप हॉस्पिटल गए, है ना, ठीक, हॉस्पिटल गए तो आप क्या कहेंगे, ये नर्स, इसको नर्स होना चाहिए, आप ढूंढ रहे हैं डॉक्टर कौन है, तो आप क्या क्या कहेंगे, यार इसको नर्स होना चाहिए, इसको डॉक्टर होना, ये हो सकती है ना, ठीक। अब स्कूल गए तो मान लो प्रिंसिपल मैम, अब तीन चार मैम खड़ी हैं या सर खड़े हैं, तो उसमें पहचानना कौन प्रिंसिपल, पहली बार गए तो कहाँ पहचान पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ना कौन होगा, ठीक। तो आप कैसा कहेंगे, इनको या प्रिंसिपल होना चाहिए, है ना, ये प्रिंसिपल हो सकती है। तो इस तरह के सेंस में किसका यूज करते हैं, शुड का। तो कैसे करते हैं, तो लिखा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शुड, अब बी मीन्स होता है होना, क्या होता है, बी मीन्स होना, तो बी लिखा, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड, क्या होगा, अदर वर्ड या नाउन बोले, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड, ये किस सेंस में, होना चाहिए। तो सब लिखते जाइए, होना चाहिए, ठीक। जैसे बोला जाए कि उसे वहां होना चाहिए, है ना, तो लिखा ही शुड बी देयर, पहला। दूसरा लिखा उसे टीचर होना चाहिए, है ना, तो ही, या लिखे तुम्हें टीचर होना चाहिए, तो यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, है ना। अगला लिखते हैं, अगला क्या कहता है, अब अगला है जैसे चाहिए था, किस सेंस में, किस सेंस में चाहिए था, उसे दौड़ना चाहिए था, लेकिन दौड़ना पहले दौड़ा नहीं, बाद में क्या, उसे यार दौड़ना चाहिए था, मुझे अब बाद में जैसे पेपर दे आए, है ना, एग्जाम दे आए,
अब एक दो नंबर से रह गए, है ना। तो क्या कहोगे यार, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, है ना। तो चाहिए था ये काम बीत चुका, लेकिन अब लौट के नहीं आने वाला, ठीक। तो जब चाहिए था सेंस में बोलना हो, तब क्या होगा स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद शुड, क्या लिखना है सब्जेक्ट प्लस शुड, इसके बाद लिखना है वो, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब क्या होगा, चाहिए था, किस सेंस में चाहिए था, ठीक। एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल में लिखा हमने पहले, जैसे बोला जाए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो तुम्हें यू, फिर लिखना है शुड, अब शुड के बाद चाहिए तक होता तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड, लेकिन अब लिखा तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो यू शुड हैव